इस वक्त एक खबर नवादा जिले से आ रही है, जहां की एक मिस्त्री ने एंटीवायरस हेलमेट का निर्माण किया है, जिसे कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करने का दावा कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट के निर्माण करने वाला नवादा जिले के रामनगर निवासी जुमन मिस्त्री का दावा है कि डॉक्टर, पुलिस, पत्रकारों के लिए कोरोना महामारी में सुरक्षा कवच का हेलमेट काम करेगा। पदाधिकारी लोग, सफाई कर्मी सब इसका चपेट में आ रहे हैं, इसी को देखते हुए इसके बचाव के लिए हम बनाए हैं इसको। जो मास्क है, हेलमेट मास्क है, ये हेलमेट मास्क बनाया है। इसमें 6 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का पंखा लगाए हैं और ये पेपर लगाए हैं जो कि हवा शुद्ध करके अंदर जाए। ये पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। ये देखिए, इसको पहनने के बाद जो है पूरा कस लेना है रबर। ये हेलमेट में जो भी हवा आएगा, ये इसको पहनने के बाद कस लेना है, पैक कर लेना है, सूट देना है। पंखा चलने लगा, पंखा चल रहा है, यहाँ से जो भी हवा निकलेगा ये, और इसको पैक कर लेना है। जो भी इसे हवा खींचेगा, हवा खींच करके बाहर निकलने के दरमियान में जो भी संक्रमित व्यक्ति है, ये 220 वोल्ट से चलेगा। ये 100 से 120 डिग्री टेम्परेचर गर्म करता है। गर्म के दरमियान में जो है, गर्म निकलने, हवा निकलने के दरमियान में जो भी बैक्टीरिया निकलेगा वो बिल्कुल नष्ट कर देगा, क्योंकि ये गर्म करता है 100 से 120 डिग्री टेम्परेचर। ये 220 वोल्ट से चलता है। इसको नॉर्मल आदमी भी भीड़ भाड़ में पहन के चल सकते हैं, संक्रमित से बचाएगा ये। बस यही इसका खासियत है। देखते हुए हम इस हेलमेट मास्क बनाए हैं, और ये जो है आज बहुत महामारी से लोग मर रहे हैं, असम में मृत्यु हो रहा है। हम ये मास्क सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए हैं, ये विदाउट, जो जिनको संक्रमित नहीं भी हुआ हो उनसे भी बचेंगे, और जो संक्रमित व्यक्ति है उनके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि इसमें 100 से 120 डिग्री टेम्परेचर पर यह गर्म करता है। इसीलिए हम DM साहब को ये चीज़ दिखाने के लिए आए हैं।